हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्थोग्राफिक का ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित संविधि दृश्य को प्रथम कोण प्रक्षेप में, मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, एक्स का डायरेक्शन देखते हुए हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो यहां हमें एक्स का डायरेक्शन दिया गया है, तो यहां से हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, देन इस साइड से हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे, देन ऊपर से देखते हुए हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम इस डायरेक्शन से देखेंगे तो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, लेंथ दिखाई देगी प्लस हाइट दिखाई देगी। तो लेंथ प्लस हाइट हमें दिखाई देती है, एंड टॉप व्यू में हमें लेंथ प्लस विड्थ दिखाई देती है। जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो हमें यह लेंथ दिखाई देगी, देन यह वाली जो विड्थ है यह हमें टॉप व्यू में दिखाई देगी। देन हम जब साइड व्यू की बात करते हैं तो साइड व्यू में हम जब देखेंगे तो विड्थ प्लस हाइट दिखाई देती है। जब हम साइड व्यू से यहां से इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमें यह विड्थ दिखाई देगी प्लस यह वाली जो हाइट है इसकी टोटल यह हमें दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं टोटल लेंथ, विड्थ और हाइट कितना है। तो हम यहाँ पर लेंथ देखते हैं, तो लेंथ हमारा कितना है, टोटल लेंथ हमारा 40 + 64 + 24, तो टोटल हो जाएगा हमारा 128 मिलीमीटर हमारा टोटल लेंथ हो जाएगा। देन जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट देखते हैं, हमारा हाइट कितना दिया गया है, तो यहां पर हाइट जो है टोटल 40 मिलीमीटर दिया गया है। देन जब हम विड्थ की बात करते हैं तो हमारा जो विड्थ होगा वह विड्थ कितना है, हमारा टोटल 64 मिलीमीटर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें लेंथ 128 मिलीमीटर, देन हाइट 40 मिलीमीटर, देन विड्थ जो है हमारा 64 मिलीमीटर यहां पर दिखाई देगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी सीट को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या होता है कि हमारा ड्राइंग बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हमारी सीट को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। देन हमारी जो यह ब्लैक कलर की लाइन है इसको हम एक्स वाई लाइन या फिर रेफरेंस लाइन के नाम से डिनोट कर देते हैं। तो यह हमारी रेफरेंस लाइन होती है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वह फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का है, तो हमारा रेफरेंस लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वह वर्टिकल प्लेन होगा, देन रेफरेंस लाइन के नीचे वाला जो प्लेन होगा वह हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। देन हम जानते हैं कि वर्टिकल प्लेन में हमेशा हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू ड्रॉ होता है, देन जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसमें हमेशा हमारा टॉप व्यू ड्रॉ होता है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से देख रहे हैं, तो हमारा जो फ्रंट व्यू होगा यहाँ पर ड्रॉ होगा, देन टॉप व्यू उसके जस्ट नीचे, देन हम जानते हैं कि जो साइड व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के जस्ट साइड में होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ड्रॉइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करने से पहले हम यहाँ पर हमारा जो फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, लेंथ प्लस हाइट दिखाई देगी। जब हम इस डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें लेंथ और ये वाली हाइट दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर लेंथ और हाइट का एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। बॉक्स जनरेट करने से क्या होता है कि हमारा जो ड्रॉइंग बनाना है थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो हमारी टोटल लेंथ है 128 × 40 मिलीमीटर का एक बॉक्स यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पर फ्रंट व्यू का जो बॉक्स है, लेंथ प्लस हाइट हमारा 128 × 40 का यहाँ पर एक बॉक्स जनरेट कर लिया, जिसके अंदर हम हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। देन इसी प्रकार से टॉप व्यू का जो बॉक्स है 128 × 64 मिलीमीटर लेंथ प्लस विड्थ का हमने यहाँ पर बॉक्स जनरेट कर लिया। देन यहाँ पर हमारा जो साइड व्यू में पोर्शन दिखाई देगा यह वाला विड्थ प्लस हाइट, इसका बॉक्स हम जनरेट कर लेंगे। हमारा जो विड्थ है 64 मिलीमीटर, देन हाइट जो है 40 मिलीमीटर, तो 64 × 40 का एक बॉक्स यहां पर जनरेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के जो बॉक्स थे उनकी लेंथ, विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग यहां पर जनरेट कर लिया। अब इस बॉक्स में हम हमारा फ्रंट व्यू को इंसर्ट करेंगे। तो जब हम फ्रंट व्यू इस डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा इसको हम देख लेते हैं। ये वाला पोर्शन हमें दिखाई देगा, देन ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो जो भी पोर्शन हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगा उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले हाईलाइट करने से क्या होता है, हमारा थोड़ा ड्रॉइंग बनाना आसान हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह वाला जो रेड लाइन से हाईलाइट पार्ट है यह हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। तो यहाँ हम
इसको इंसर्ट करते हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, देन हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर यह वाला होगा जिसको हम यहाँ एज्यूम करके चलेंगे, देन राइट हैंड कॉर्नर यह वाला होगा जिसको यहाँ एज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक सर्कल कट किया हुआ है यहाँ पर जिसका जो डायमीटर है 80 मिलीमीटर है, एडमिशन से इसका जो सेंटर होगा 40 मिलीमीटर पर होगा। तो यहां से 40 मिलीमीटर पर चलते हैं, यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो इस प्रकार से हमने 40 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर एक सेंटर ड्रॉ कर लिया है। अब हम देख रहे हैं कि इस सेंटर से यहां पर एक सर्कल कट किया हुआ, बिगर सर्कल जिसका जो रेडियस है 40 मिलीमीटर। तो यहां पर हम प्रकार में एक 40 मिलीमीटर का रेडियस लेंगे, यहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहां पर यह जो बिगर सर्कल था जिसका जो इसका जो रेडियस था 40 मिलीमीटर, इसको यहां पर ड्रॉ कर लिया है। देन यहां पर हमें एक और इनर सर्कल दिखाई देगा जिसका जो रेडियस है वह 24 मिलीमीटर है। तो यहां से 24 मिलीमीटर का रेडियस लेकर एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमें यह वाले जो फ्रंट व्यू से हम देख रहे हैं, तो ये जो दोनों सर्कल हैं यहां पर हमने इनको ड्रॉ कर लिया है। देन हम यहां पर देख रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो हम भी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये दोनों सर्कल हमने यहां पर ड्रॉ कर दिए, देन यह वाली लाइन भी यहां पर ड्रॉ कर दिए। देन हम जब इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो यहां पर यह हमें एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देगा, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन यहां से एक और वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा वह कितना हुआ 16 मिलीमीटर, यहां से 16 मिलीमीटर की हाइट पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन अब हम यहां पर इस पॉइंट पर पहुंच गए, यहां से एक और हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जो कि इस पॉइंट तक होगी, तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यह वाला जो पोर्शन था हमें यहाँ एक रेक्टेंगल के रूप में दिखाई दे रहा है। देन यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर एक सर्कल कट किया हुआ है जो कि हमें फ्रंट व्यू से देखने पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी पोर्शन हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हमें हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करना होता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं इसका जो सेंटर होगा यहां से 24 सेंटीमीटर पर होगा, तो यहां से हम 24 यहां पर सेंटर ड्रॉ कर लेंगे, यहां पर हमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। देन यह जो इसका जो डायमीटर है 24 है, इट मीन्स यहां से 12 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर एक लाइन दिखाई देगी और 12 मिलीमीटर राइट साइड की ओर एक लाइन दिखाई देगी। यहां पर हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो सर्कल था हमें यहाँ हिडन लाइन के रूप में दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू का जो डायग्राम है वह कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर टॉप व्यू का जो डायग्राम है वह ड्रॉ करेंगे। तो जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो हमें कौन कौन सा पार्ट दिखाई देगा, यह वाला पोर्शन दिखाई देगा, देन यह वाला जो सर्कुलर पार्ट है यह हमें दिखाई देगा। तो हम सबसे पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यहां पर जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो ग्रीन लाइन से शेडेड जो पार्ट है वो हमें टॉप व्यू से देखने पर दिखाई देगा, इट मींस यह वाला एरिया जो है हमें टॉप व्यू से देखने पर दिखाई देगा, देन यह वाला जो सर्कुलर पार्ट है यह हमें टॉप व्यू से देखने पर दिखाई देगा। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमारा जो लोवेस्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर होगा वो वाला यहां पर होगा, इस कॉर्नर को हम यहां पर एज्यूम करके चलेंगे, देन हाइएस्ट कॉर्नर हमारा यह वाला होगा, इसको हम यहाँ एज्यूम करेंगे। तो यहां से हम देख रहे हैं इस लोवेस्ट कॉर्नर से जब ऊपर से देखेंगे तो यह जो सर्कुलर पार्ट है यह हमें एक लाइन के रूप में दिखाई देगा। तो यहाँ इस कॉर्नर से 80 मिलीमीटर की दूरी तक एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसका जो डिस्टेंस होगा वह 80 मिलीमीटर होगा। इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देगी, देन इसी तरह से यहां पर भी इस साइड में भी हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जिसकी जो डिस्टेंस होगी वह 80 मिलीमीटर होगी। तो यहां पर भी एक 80 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन जब हम ऊपर से देखेंगे तो यहां पर हम दोनों इन दोनों पॉइंट्स पर हैं, यहां पर ये जो पॉइंट है हमारे यहां पर है, देन यहां से यह जो एज है हमें एक वर्टिकल लाइन के रूप में दिखाई देगी, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे।
देन यहां से भी इसी प्रकार से एक वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देगी। तो इस इन दोनों कॉर्नर्स को भी मिलाते हुए एक वर्टिकल लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर देंगे। देन जब हम ऊपर से देखेंगे तो यह जो एज है यह हमें दिखाई नहीं देगी, ये दोनों एजेस हमें दिखाई नहीं देंगी, लेकिन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर हम जो जिसका डिस्टेंस सेंटर से 24 मिलीमीटर, इधर 24 मिलीमीटर, इधर दो हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहां पर हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसी प्रकार यहां पर भी यह जो एज होगी यह इस हिडन लाइन के द्वारा दर्शाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह दो जो दोनों एजेस हैं यहां हमें यहां पर इस प्रकार से दिखाई देंगी हिडन लाइन के रूप में। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जब हम यहां से ऊपर से देखेंगे तो यह वाला पोर्शन एक सर्कुलर पार्ट के रूप में दिखाई देगा। तो यहां पर एक सर्कल दिखाई देगा, सेमी सर्कल, जिसका जो रेडियस होगा कितना होगा 24 मिलीमीटर होगा। तो यहां से 24 मिलीमीटर का चाप प्रकार में लेकर एक आर्क लेते हैं, देन यहां पर सेंटर पे रखेंगे, यहां से एक सर्कल इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार से एक सर्कल हमें यहां पर दिखाई देगा, देन यहां से हमें इसके सेंटर से सीधी लाइनें दिखाई देंगी जो कि यहां तक होगी। तो इन्हें हम यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से यहां से भी एक लाइन हमें दिखाई देगी। देन अब हम देख रहे हैं कि यहां पर इन दोनों कॉर्नर पर हमें यहां पर ये दोनों कॉर्नर हमारे यह वाले हैं। देन यहां से एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, तो हम भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए। देन इसके नीचे जो ये वाली एज है यह हमें हिडन लाइन के रूप में दिखाई देगी, तो हम इसे हिडन लाइन के रूप में ड्रॉ कर देते हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार से यह लाइन हमें दिखाई देगी, क्योंकि यह वाली लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए हमें इसे हिडन लाइन के रूप में ड्रॉ किया है। देन इसके बाद जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो हमें एक सर्कल दिखाई देगा जिसका जो डायमीटर है 24 है, तो हम प्रकार में 12 मिलीमीटर का रेडियस लेंगे। यहां पर रखकर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा जो टॉप व्यू है उसका डायग्राम यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब हम यहां पर हमारा साइड व्यू का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जब साइड व्यू से देखेंगे, साइड व्यू से इस डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें यह वाला पोर्शन दिखाई देगा, देन यह वाला पोर्शन हमें यहां तक का टॉप तक का दिखाई देगा। तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें यह जो ब्लू लाइन से शेडेड पार्ट है यह वाला, यहां तक का इसका सेंटर तक का, देन इसके हाईएस्ट पॉइंट तक का यह वाला पार्ट हमें साइड व्यू से यहां पर दिखाई देगा, क्योंकि हमें साइड व्यू से विड्थ प्लस हाइट दिखाई देती है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि जब हम यहां इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमारा लोएस्ट कॉर्नर यह वाला होगा, देन जिसको हम यहां पर एज्यूम करके चलेंगे। तो यहां से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जिसकी जो विड्थ होगी वह कितनी होगी 64 mm। तो यहां से 64 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई देगी। यहां इस पॉइंट से हम 64 mm की एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन अब हम इस हमारे पास दो पॉइंट है, ये वाला देन ये वाला, जिनको हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया है। देन यहां से एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है, और जब हम इस साइड से देखेंगे तो यह सर्कुलर पार्ट हमें एक वर्टिकल लाइन के रूप में दिखाई देगा। तो यहां से एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 40 मिलीमीटर। तो यहां से 40 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से इस साइड भी हमें यह वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसकी जो ऊंचाई होगी वह कितनी होगी, यहां पर भी हम 48 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन अब हम यहां पर आ गए हैं, यह हमारा यह हाईएस्ट पॉइंट यह वाला है। देन यहां से जब हम देखेंगे इस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं तो हमें यह जो इसकी जो अपर एज है एक वर्टिकल लाइन के रूप में दिखाई देगी। तो यहां से एक इन दोनों पॉइंट से होते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह वाला जो सर्कुलर पार्ट था हमें एक बॉक्स के रूप में दिखाई दे रहा है। देन जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं साइड व्यू से तो हमें यह इनर सर्कल है यह दिखाई नहीं दे रहा है।
और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी पार्ट जो भी पोर्शन हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो यह जो पोर्शन है यह हमें हिडन लाइन के रूप में दिखाई देगा। तो इसका जो रेडियस था वो हमारा 24 मिलीमीटर था। तो यहां से इस पॉइंट से 24 मिलीमीटर जाकर एक हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स यह जो इनर सर्कल था हमें इस हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। देन जब हम यहां से इस डायरेक्शन से देख रहे हैं साइड व्यू से, तो हमें यहां से इस कॉर्नर से यह जो हमारा यह वाला पॉइंट है यहां से 8 mm डिस्टेंस की डिस्टेंस पर एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। तो यहां से हम 8 mm लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं, देन 8 mm राइट साइड की ओर, इसी प्रकार से इस पॉइंट से भी 8 mm लेफ्ट साइड की ओर। अब जो इसका हाइट है वो कितना होगा, 16 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। तो यहां से 16 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से इस कॉर्नर से भी एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसकी जो डिस्टेंस होगी वह 16 मिलीमीटर होगी। देन जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो ये जो सर्कुलर पार्ट है एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में दिखाई देगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे यहां पर। देन जब हम साइड व्यू से देख रहे हैं तो एक सर्कल कट किया हुआ है जो कि हमें दिखाई नहीं देगा, जिसका जो डायमीटर है 24 पाई है। इट मीन्स सेंटर लाइन से 12 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर, 12 मिलीमीटर राइट साइड की ओर दो हिडन लाइन हमें दिखाई देंगी। तो यहां पर इसका सेंटर ले लेते हैं, 12 mm लेफ्ट साइड की ओर, 12 mm राइट साइड की ओर दो लाइनें दिखाई देंगी। यहां पर यह हमें हिडन लाइन के रूप में दिखाई देगा। इसी प्रकार से यहां पर भी। तो फ्रेंड्स यह जो सर्कल था हमें यहां पर यह हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा यहां पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का जो डायग्राम है वह कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो डायमेंशनिंग में हमें क्या क्या दिखाई देगा, जब हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो इसका जो डिस्टेंस 80 मिलीमीटर है, देन यह 48 मिलीमीटर, देन यह 24 मिलीमीटर यहां पर हमें दिखाई देगा। तो इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं। यह वाला जो पोर्शन था हमारा यह 48 मिलीमीटर का था, यहां पर 48। देन यह वाला जो बिगर पोर्शन था, बिगर डायमीटर, यह हमारा 80 मिलीमीटर का था, 80 मिलीमीटर लिख देंगे। देन यह वाला जो पोर्शन था यह हमारा 24। देन यहां से इसके सेंटर से इसका जो डिस्टेंस था हमारा 64 मिलीमीटर था। देन यह जो सर्किल था हमारा देन इसका जो थिकनेस था वह 16 था। यहां पर इसका थिकनेस बता देंगे 16 मिलीमीटर। देन साइड व्यू में टोटल जो हाइट थी हमारी 14 थी, यहां पर 40 मिलीमीटर लिख देंगे। देन इनर वाला जो सर्कल था हमारा वो 24 का था, यहां पर टोटल जो विड्थ थी हमारी 64 थी। तो यहां पर हम इसको 64 लिख देंगे। इसी प्रकार से यहां पर भी इसका जो विड्थ था 64 मिलीमीटर था, 64 मिलीमीटर लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहां पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।